हेलो एवरीवन वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एमरजिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द सब्जेक्ट कोड इज केन टी एंड आर इन लेक्चर नंबर एट ऑफ यूनिट नंबर फोर सो इन द प्रीवियस लेक्चर बेसिकली वी हैव स्टार्टेड अबाउट लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स क्या हैं डिफरेंट सिम्बल्स क्या हैं उनके एंड वॉट इज द ऑपरेशन की किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कौन सा लॉजिक गेट यूज में आता है अब इसी पे और अच्छे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन को किस तरह से रिलाइज करते, है, 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 तो करते हैं वो सीखेंगे जो बात की थी यूनिवर्सल गेट्स की तो यूनिवर्सल गेट्स हमने क्यों बोले थे क्योंकि उनकी हेल्प से हम बाकी अदर गेट्स को रिलाईज कर सकते हैं तो इस लेक्चर में हम यही देखने वाले यूनिवर्सल गेट से आप किस तरह से एंड गेट और गेट

राइट दिस ए इंटू बी प्लस बी बार सी यानी ए इंटू बी का कॉम्बिनेशन हाई हो या बी बार सी का कॉम्बिनेशन हाई हो क्यों क्योंकि यहां पे प्लस लगा है तो डैट मीन और राइट सो अब इस एक्सप्रेशन को मुझे लॉजिक गेट से बनाना है बेसिक गेट्स का यूज करना है तो हमने बेसिक गेट्स कौन से पढ़े जनरली कोई भी एक्सप्रेशन आपका बेसिक गेट से गेट्स होता है और बेसिक गेट्स हमारे कौन से थे एंड और एंड नॉट राइट तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखो तो ए इंटू बी आपको यहां पे चाहिए तो ए इंटू बी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज सही है जी हाँ एक एंड गेट और एंड गेट हमने पढ़ा है दिस इज द एंड गेट सिंबल तो यहां पे आप एक एंड गेट सिंबल यूज करोगे जहां पर इनपुट क्या होगा ए एंड बी राइट right? अब अगर मैं दूसरा इनपुट फॉर्म करना चाहता हूं आई वॉन्ट टू मेक दिस बी बार इंटू सी सो बी बार इंटू सी के लिए जाहिर सी बात है मुझे एक एंड गेट चाहिए जैसे कि यहां का आउटपुट ए बी है तो यहां का आउटपुट बी बार सी प्रोड्यूस हो बट इन दैट केस व्हाट इज द इनपुट ओवर हियर एक इनपुट हमें चाहिए सी और एक इनपुट हमें चाहिए बी बार राइट right? सो so, एक इनपुट हुआ इट विल जनरेट ए बी बी बार सी एक इनपुट हुए अब इन दोनों मुझे करना है एड जी हाँ तो एडिशन करने के लिए कौन यूज होता है जी हाँ एक और गेट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि इस ए बी को एड और विद बी बार सी इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू हाई है इन डेट केस वैल्यू वाई राइट तो दिस इज द सिंपल वे कि आपको अपने गेट्स का रिलेशन कैसे करना होता है गेट को कैसे यूज करना है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन जहां मल्टीप्लाय है जस्ट यूज योर एंड गेट जहां पे एडिशन है जस्ट यूज गेट राइट अब इसमें एक और चीज जो मैं यहां पे जोड़ना चाहूंगा वो क्या है हमने यहां पे बी बार यूज किया राइट बेसिकली बी से बी बार कैसे आएगा ये हमने पढ़ा है द थर्ड बेसिक गेट आर इज कॉल्ड द इनवर्टर तो यहां जनरली होता है कि इस बी से हम एक इन्वर्टर का यूज करते हैं नॉट गेट का यूज करते हैं और यहां पे कनेक्ट कर देते हैं तो बी से हमारा बी बार जनरेट हो रहा है नाउ माय सर्किट इज फुल्ली कंप्लीटेड सो दिस इज द वे कि आप फंक्शन को किस तरह से करते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स अनदर अन्पल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको सर्किट गिवन ले लिया राइट हमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं वेयर वी हैव गिवन द सर्किट तो अब अगर सर्किट गिवन है तो मैं इसका आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करूं यानी रिवर्स ऑपरेशन में कर रहा हूं कि रिवर्स हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है वाई का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है फॉर दिस गिवन सर्किट सो अब अगर सेम चीज हम यहां पे अप्लाई करें तो दिस इज द गेट नंबर वन जहां पे मैंने इनपुट नंबर भी दिए वन टू थ्री फोर सो अगर मैं गेट नंबर वन की बात करूं तो इस गेट नंबर वन को क्या बोलेंगे जी हाँ दिस इज एन

Right? अब एक और एग्जाम्पल है मेरे पास लेटस टेक दिस फंक्शन और आप यहां पे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वन मिनट पॉज करके वीडियो को कि किस तरह से इसका लॉजिक गेट्स के थ्रू हम इस फंक्शन को रिलाइज करेंगे राइट सो आई होप आपने ट्राई किया और आपने सर्किट बनाया भी होगा सो so, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो बहुत सिंपल सा इसमें देखना है किस तरह से देखते हैं सर्किट को सबसे पहली चीज अगर आपको कोई फंक्शन इस टाइप से दिया गया है तो उसे मल्टीप्लीकेशन एक्सपैंड मत कीजिएगा नेवर डू दिस ए बी प्लस ए सी डी प्लस बी सी बार नेवर डू दिस राइट सबसे पहला स्टेप ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता राइट right? आपको फंक्शन जैसा दिया है उसे वैसे ही करना यानी कि सबसे पहले मुझे क्या करना है a में मल्टीप्लाई करना है ये कंप्लीट फैक्टर। अब इनपुट क्या हो सी और डी सो दिकम्स आउटपुट राइट इसमें मुझे क्या ऐड करना है इसमें मुझे ऐड करना है बी तो ऐड करने के लिए क्या यूज करूंगा जी हाँ गेट विद इनपुट सी डी एंड इनपुट इज बी

राइट सो वट इज दिस इनपुट अवेलेबल दैट इज कॉल्ड सी बार तो बीसी बार अकेले तो जनरेट हो नहीं सकता कहां से जनरेट होगा एक एंड गेट से बिकॉज इज अ प्रोडक्ट टर्म राइट तो बीसी बार यहां पे जनरेट होकर आएगा और बीसी बार के लिए इनपुट क्या हो गया एक हो गया इनपुट बी और एक इनपुट हो गया हमारा सी जिससे हमें क्या लगाना पड़ेगा नॉट गेट जिससे यहां पे क्या जनरेट हो जाए सी बार तो दिस विल जनरेट मी बीसी बार अब अल्टीमेटली अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो जो रेस्पेक्टिव इनपुट्स होते हैं ये तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया अब ये जो रेस्पेक्टिव इनपुट्स होते हैं आपस आप में एक दूसरे से ही कनेक्टेड होते हैं कोई अलग अलग नहीं होते जैसे B, B से ही कनेक्ट होगा अगर मुझे ए की रिक्वायरमेंट है तो ए जितने भी हैं वो सब एक साथ कनेक्ट होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे सी को यूज किया तो डी सी आर कनेक्टेड टुगेदर तो अल्टीमेटली जो आपको एक बॉक्स के बाहर दिखाई देंगे वो चार ही इनपुट दिखाई देते हैं दैट इज बी सी एंड डी

आई होप आफ्टर डूइंग दिस एग्जाम्पल अब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आए आप उसको लॉजिक फंक्शन से लॉजिक गेट से रिलाइज

अभी आप आगे चल के अलजेब्रा में देखेंगे कि ए डॉट ए जो होता है दैट इज अ बुल लॉ दैट इज इक्वल टू सिंपली ए तो क्या जनरेट हुआ ए बार यानी कि ए से मुझे क्या जनरेट हो गया ए बार दैट गेट को मैंने इन्वर्टर की तरह के आगे ये हमारा ए और बी है यहाँ पे मुझे जनरेट हो रहा है ए बी बार तो अगर मैं इसके आगे वापस से एक और नैंड गेट लगा दू राइट तो मैं क्या कर रहा हूं मैं इस ए बी बार का वापस कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो मुझे क्या जनरेट हो जाएगा मुझे जनरेट हो जाएगा ए बी यानी कि एक एंड गेट में बना सकता हूं अगर मेरे पास एंड गेट अवेलेबल नहीं है तो दो नैंड गेट का यूज करके हम एंड ऑपरेशन को जनरेट कर सकते हैं राइट सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म अर ऑपरेशन तो और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है और ऑपरेशन परफॉर्म होता है ये रहा आपका सर्किट और ऑपरेशन के लिए ए इज अप्लाइड टू अ इन गेट तो यहाँ पे आपका ए बार जनरेट हो जाएगा सिमिलरली बी इज अप्लाइड टू अपरेट नाइन गेट जहाँ पे आपका बी बार जनरेट हो जाएगा एंड दीज टू ए बार एंड बी बार इज फर्दर अप्लाइड टू गेट सो दैट यहाँ पे ए बार डॉट क्या जनरेट होगा ए बार डॉट बी होल बार ए बार डॉट बी बार होल बार प्रॉपर्टी ऑफ नाइन गेट हम नायन गेट ही का करके मुझे कि मुझे और करना है B, लेकिन मेरे पास केवल नायन गेट अवेलेबल है तो नायन गेट का यूज करके मैं किस तरह से और ऑपरेशन जनरेट कर रहा हूं ए so के लिए ए बार बी से हमने बी बार और फर्दर इसकोट में लगा दिया तो यहां मिलता है ए बार डॉट

तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि आपका जो साइन है या तो मल्टीप्लीकेशन साइन है वो एडिशन में चेंज हो जाएगा और अगर एडिशन साइन है तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा तो यहां पे बोलते हैं चेंज द साइन चेंज द साइन मतलब मल्टीप्लाई है एडिशन एडिशन है तो मल्टीप्लाई एंड ब्रेक द लाइन अगर आप यहां पे देखो ए डॉट बी होल बार था लेकिन ये डॉट आपका प्लस में बदल गया और ये जो होल बार है दिस विल बी डिवाइडेड इनटू बोथ यानी ए के आ गया बी के बी ऊपर आ गया तो दैट इज कॉल्ड चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन तो ए डॉट बी बार अगर आप फुल बार कहीं पे भी देखेंगे तो दिस विल बी रिप्रेजेंट एज ए बार प्लस बी बार और अगर ए प्लस बी होल बार है तो चेंज द साइन एंड देन ब्रेक द लाइन तो हमेशा पहले चेंज कीजिए साइन को लाइन को ब्रेक कर दीजिए दिस इज थ्योरम और इसी चीज का यूज यहां पर किया गया है यहां पे लिखा था ए बार डॉट बी बार होल बार तो दिस विल बी रिटर्न एज वट चेंज द साइन तो ये क्या हो गया ए बार प्लस बी बार पहले हमने साइन को चेंज कर दिया नाउ ब्रेक दिस लाइन तो जब ये लाइन ब्रेक होगी तो ए बार के ऊपर भी आएगी और बी बार के ऊपर भी आएगी नाउ व्हाट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने बोला ए से कॉम्प्लीमेंट किया तो ए बार जनरेट हुआ बट ए बार का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या जनरेट हो जाएगा वापस ए सो यानी कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है तो दिस विल बिकम सिंपली ए प्लस बी राइट तो डिमोक थ्योरम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे के लेक्चर्स में भी आपको बहुत काम आने वाली है जब हम जो बोले के थ्रू मिनिमाइजेशन देखेंगे सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है इस राइम को जरूर याद रखिएगा चेंज द साइन ब्रेक द लाइन अब ये तो हो गए नॉट एंड और और ऑपरेशन अब अगर मैं कहूं कि मुझे इससे नॉर ऑपरेशन बनाना है यूजिंग नाइन गेट तो ऑलरेडी हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके ना अगर इसी और के आगे एक और नाइन गेट परफॉर्म कर दूं तो अभी जो मुझे ए प्लस बी मिला था अब उसके बाद क्या मिलेगा ए प्लस बी बार यानी कि अगर नाइन से नॉर बनाना है सो आई विल यूज दिस ए बार बी बार ए बार बी बार का यहां पे फिर से हमने डिमोरगन किया ए प्लस बी आया इसका वापस हमने एक और नाइन गेट लगा दिया आई गॉट द नॉर ऑपरेशन राइट right? एक और सर्किट हमने पढ़ा था डाट इज कॉल्ड एक्सोर एन एक्सनॉर तो अगर मुझे एक्सोर फॉर्म करना है यूजिंग नाइन गेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में एज इट इज पुटअप होता है ड्रॉ द एक्सोर गेट यूजिंग नाइन गेट सो एक्सोर को नाइन गेट से कैसे बनाते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड सर्किट जहां पे आप चार नाइन गेट यानी नाइन गेट्स का यूज करके गेट को डिजाइन करते हैं और ये सर्किट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा मेमोरी कर मेमोराइज कर लीजिएगा बिकॉज ये एज इट इज क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आता है कि ड्रॉ द एग्जोर गेट यूजिंग नाइन गेट राइट right? अब यहां पे जो आप इस सर्किट को याद करेंगे तो इस सर्किट के आउटपुट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए बी का यूज करके हम इस फाइनल एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंच रहे हैं जो कि फाइनली एक्सॉर का एक्सप्रेशन है बट इस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पे बूले नल्जेबरा की जरूरत पड़ेगी मिनिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी डिमॉर्गन्स तो लगेगी लगेगी राइट डिमोर्गन्स कहाँ लगेगी लाइक ए इंटू ए बी होल बार है तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए इंटू ए बी होल बार होल बार राइट बिकॉज दिस इज अ दिसन गेट पहला इनपुट मल्टीप्लाई बाय दूसरा इनपुट होल बार तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं एज पर डिमोर्गन जो हमारा ए बी होल बार दिस विल बी ब्रेक इनटू ए बार प्लस बी बार एज पर डिमोर्गन और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है अल्टीमेटली ए, so, पे आपका ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस ए इंटू ए बार आप आगे चल के बोलियन लॉ भी देखोगे कि दिस ए इंटू ए बार यानी अगर ए वन है तो उसका ए बार क्या होगा जीरो होगा ना और अगर ए जीरो है तो उसका बार क्या होगा वन होगा सो दिस ए इंटू ए बार इज ऑलवेज जीरो बचेगा ए बी बार सिमिलरली अगर आप इस नीचे वाले यानी इस नाइन गेट के आउटपुट को सॉल्व करो तो यहां पे आएगा बी डॉट ए बी होल बार होल बार फिर से इस से अप्लाई करते तो बी डॉट ए बी बार इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये फिर से वही हो जाएगा b a बार प्लस बी बार और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दिस टाइम तो ये बनेगा b a बार

बी ए बार होल बार डॉट ठीक है मल्टीप्लाई और उसका होल क्या होना है होल बार दैन ऑपरेशन तो बेसिकली इस नाइन का आउटपुट क्या है? इस NAND का output ये है अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो एज पर दॉ चेंज द साइन तो चेंज द साइन क्या हो गया ए बी बार प्लस बी ए बार राइट एंड ब्रेक द लाइन तो जैसे ही आप लाइन को ब्रेक करेंगे इस होल बार के ऊपर यानी इसके जो ऊपर होल बार है उसके ऊपर बार आएगा बार से बार कैंसिल आउट बार से बार कैंसिल आउट वी गॉट दिस एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन किसका है ये एक्सप्रेशन हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का है राइट तो एक्सक्लूसिव और गेट नान गेट से जरूर याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलरली इसका अपोजिट भी आ जाता है कि ड्रॉ द एक्स नॉर गेट यूजिंग नान गेट

फोर नाइन गेट्स का यूज करके आपको एक्सनोर गेट को बनाना है तो दैट्स वाई दीज नाइन गेट दिसन गेट इज कॉल्ड बेसिकली यूनिवर्सल गेट क्योंकि आपने देखा कि इस नाइन गेट का यूज करके आप किसी भी गेट को रिलाईज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को कर सकते हैं सिमिलरली हम नॉर गेट भी बोलते हैं यूनिवर्सल गेट है तो नॉर के थ्रू भी आप डायरेक्टली सर्किट रिलाइज कर सकते हो और किस तरह से सर्किटिलाइज करोगे ये रहे आपके बेसिक गेट्स तो अगर नॉर गेट का यूज करके नॉट बनाना है तो नॉर में ही आपने डबल इनपुट कर दिया जैसे हमने नॉन में समझा अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो ए कॉम ने नॉर्थ गेट में अप्लाई किया दिखम ए बार बी कॉम ने नॉर्थ गेट में अप्लाई किया बार अभी क्या जनरेट करेगा ए बार प्लस बी बार होल बार तो एड एज पर डिमॉरगंस ए बार डॉट बी बार एंड ब्रेक द लाइन तो बार से बार कैंसल आउट हो जाएगा यू विल गेट

देन अगर मुझे एक्सोर गेट करना है तो जैसे हमने नाइन गेट में पढ़ा था सेम तरीका है बट यहां पे रिलाईज डिफरेंट हो जाती है वहां पे हम लोगों ने यहां अ नाइन गेट नाइन गेट नाइन गेट नाइन गेट दैट्स इट हमारा फोर नाइन गेट्स के थ्रू क्या बन जाता है एक्सोर गेट बन जाता है बट अगर आप नॉर गेट के थ्रू एक्सोर गेट रिलाइज करें तो वी रिक्वायर्ड मिनिमम फाइव नॉर गेट तभी यहां पे एग्जोर गेट प्रोड्यूस होगा तो जैसा कि मैंने NAND से आपको बोला था कि NAND से एक्सोर कैसे बनाते हैं मेमोरी में रखिएगा मेमोराइज होना चाहिए आपको सर्किट सेम केस है यहां पे ये सर्किट भी आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा कि हम एक्सोर गेट से नॉर गेट कैसे बनाते हैं राइट फोर फाइव नॉर गेट का यूज करके आपको एक्सोर गेट बनाना है ना एक कम ना एक ज्यादा और सिमिलरली अगर मुझे नहीं बनाना मुझे बनाना है यूजिंग गेट तो यहाँ पे फोर यूज होते हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो सर्किट हमने एक्सोर में नैन से पढ़ा है वो यहां पर एक्सनॉर है यूजिंग और जो हमने एक्सनॉर पढ़ा है यूजिंग नैन गेट वो यहां पे नॉर गेट से लाइज हो रहा है राइट right? सो so, ये सारे सर्किट एज इट इज याद रखिएगा मेमोराइज करने हैं सो दैट आप पेपर में एज इट इज प्रोड्यूस कर सके राइट right? सो so, इसी के साथ ये जो हमारा लेक्चर है फंक्शनलाइजेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स अब हम कर सकते हैं ऑन द सेकंड थिंग यूनिवर्सल गेट से किस तरह से हम ब्रेस्ट गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाट इज कॉल बुलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन जिसमें हम यूज करेंगे बुलियन एल्जेब्रा तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू